हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति आवेदन करने के इच्छुक है उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। आप अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करने में उम्मीदवार के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है, परंतु उनके लिए कुछ विशेष चरणों का पालन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उनके लिए उनकी सुविधा अनुसार और पारंपरिक कार्यों के अनुसार लाभ से सम्मानित किया जाएगा। आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार के लिए योजना की पात्रता और शर्तों को भी जानना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत व्यवसाय को बढ़ावा। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कार्यों और व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 40 से अधिक विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के लिए उनके अनुसार लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। अगर आप छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तथा व्यवसाय में बढ़ोतरी चाहते हैं तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही कारगर साबित होगी तथा आप इसके माध्यम से अपने पारंपरिक कार्य में भी विस्तार कर पाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के तत्वावधान में 17 सितंबर 2023 को करवाई गई थी, ताकि लोगों के बीच अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी हेतु अवसर मिल सके और उनके लिए आर्थिक सुविधा दी जा सके। केंद्र सरकार के द्वारा 17 सितंबर 2023 में लगातार ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा करवाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जैसे ही लोगों के आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे उसके बाद उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है और उनके लिए उनसे संबंधित लाभ प्रदान करवाए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रोजगार पंजीयन, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार आईडी, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको निश्चित वेबसाइट पर एंटर करना होगा। इस वेबसाइट में आपके लिए सर्वप्रथम सभी प्रकार की पात्रता मापदंड और संबंधित जानकारी का अध्ययन करना चाहिए। अब आपके लिए रजिस्ट्रेशन हेतु एक्टिव करवाई गई लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके लिए योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी और अपने पारंपरिक कार्य के कोस्ट टाइम में उक्त कार्यों को भरना होगा। इसके बाद अपने सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। अब इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन पत्र को भी सबमिट कर देना होगा। आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा एवं आपके लिए जल्द ही प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाती है।